हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समत किचन में। आज हम लोग बना रहे हैं मसाला पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत यमी है। और इसके साथ ना आपको सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी खाने की, ना ही किसी अचार ना चटनी की। तो चले हम बनाना देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और करें समत किचन को सब्सक्राइब। चले हम शुरू करते हैं। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक कटोरी आटा, और ये है एक कटोरी मैदा। यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें मिला रही हूँ, आप चाहें तो खाली मैदे का भी बना सकते हैं। और इसको मिलाने के बाद इसमें ये डाल देंगे अजवाइन आधी चम्मच, और ये है हमारा 2 टेबलस्पून ऑयल। इसको थोड़ा थोड़ा मिला के इसका, क्योंकि अभी नमक मसाले में भी होगा इसलिए हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको आटे को गूंद लेंगे। पानी एक बार नहीं डालना है, उससे अच्छा आटा नहीं गूंदता। और एक अच्छा सा डो बना लेना है इसका। आटे की गुंधाई बहुत अच्छी होना चाहिए, मेन इसमें सिर्फ आटा ही है गूंदना। अगर आटा अच्छा गूंद गया तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा चिकना आटा तैयार हो गया है। और इसमें मैं हल्की सी एक ऑयल की लेयर लगा देती हूँ। इसको ढाँक के रख देंगे आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए, और जब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आधा चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये है थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा, धनिया कटी हुई, प्याज कटी हुई, और ये है प्याज और लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे है नमक। तो चले हम बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के उसमें हम ज़ीरा भून लेंगे, और ज़ीरा भूनते ही उसमें डाल देंगे पहले पेस्ट। डालने से ये होगा कि हमारे जो ड्राई मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से भुन जाएंगे। अब सारे ड्राई मसाले डाल देंगे और थोड़ा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है। और इसमें थोड़ा पानी डाल के मसालों को जब तक भूनेंगे, जब तक इनसे कच्चेपन की महक ना निकल जाए, और अच्छी तरह से इसको सुखा लेंगे, गीला नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ इसको भरने में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे हमारा आटा भी रेडी हो चुका है, और अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। तो अब हम अपने आटे की लोइयाँ काट लेंगे अपने हिसाब से, जितना बड़ा या छोटा रखना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे बड़ी लोई ली है, जिससे मसाला बहुत अच्छी तरह से हम इसमें भर सकें। और अब इसको हम एक प्लेन रोटी की तरह बड़ी कर लेंगे। हल्के हाथों से किनारे से बेलिए और रोटी को बड़ा कर लीजिए। और ये देखिए, रोटी तैयार है। तो अब ये रोटी तैयार है, इसमें मैं लगा रही हूँ थोड़ा घी। घी की जगह पे आप ऑयल या बटर, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें, और इसके साथ अब जो हमने मसाला रेडी किया है वो मसाला स्प्रेड करें। तो मसाला अगर आप ज़्यादा अच्छा चाहते हैं अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से इसमें फैला दें। मैं पूरी तरह से इसमें फैला रही हूँ, और पूरी तरह से इसको कवर करने के बाद थोड़ी सी धनिया इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी प्याज, और इसको अब हम रोल करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, और इसको ऐसे पतला सा रोल करते जाइए। ध्यान से करिए, मसाला बाहर ना जाए, और इसको अच्छी तरह से सील कर दीजिए, और थोड़ा सा ऐसे दबा के और फिक्स कर दीजिए। और इसको अब हम ऐसे रोल करके ऐसे यहाँ से भी इसको प्रेस कर दीजिए। इसको अच्छी तरह से सील करना है, जिससे मसाला बाहर ना निकले। थोड़ा सा आटा लगा के इसको अब हम बेल लेंगे दोबारा से। तो अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे, क्योंकि इसमें मसाला भरा हुआ है तो थोड़ा मसाला बाहर आ सकता है, हमने ज़्यादा चीज़ें डाली हैं इसमें। हल्के हाथों से धीरे धीरे साइड में प्रेशर दे के आप इसको बढ़ा लें। तो अब ये पराठा बेल चुका है, अब मैं इसको एक प्लेट में रख देती हूँ और दूसरा तरीका बताती हूँ दूसरे तरह से बनाने का। तो एक बड़ी लोई जो हमने बनाई थी उसके 2 छोटे टुकड़े कर लेंगे, 2 छोटी लोइयाँ उसी से बना लेंगे, और इन दोनों को अच्छी तरह से इसकी गोल लोइयाँ बना लेंगे। और ये मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, मैं थोड़ा सा आटा मिला लेती हूँ। बिल्कुल बराबर हमको लोई बनानी है। तो ये दोनों लोई बनाने के बाद इनको हम थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे ऐसे हाथ से प्रेस करके, या तो चाहें आप थोड़ा बेल के भी बढ़ा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। मैं यहाँ हाथ से बढ़ा रही हूँ इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी बढ़ा लेंगे।
अगर आपको रोल करने में प्रॉब्लम आए तो आप ये वाले मेथड से भी पराठे भर सकते हैं। ये देखिए दोनों बराबर हैं। अब मैं इसमें मसाला भर रही हूँ और अपनी मर्ज़ी से आप जितना चाहें उतना मसाला इसमें भर सकते हैं, बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें प्याज भी डाल देती हूँ और कटी धनिया, और अब जो दूसरी वाली हमारी छोटी लोई है जिसको कि अभी हमने फ्लैट किया है, इसको ऊपर से डाल के और इसके साइड को सील कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दबा दबा के। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये हमको बहुत अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है, क्योंकि ये अगर प्रेस नहीं हुआ तो फिर पराठा बड़ा मेसी हो जाएगा, आप बेल नहीं पाएंगे ठीक से। और बस इसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद आप पराठे को बहुत आसानी से बेल सकते हैं। अब ये सील हो गया तो अब हम इसको भी बेल लेते हैं। तो इसको बेलने के लिए किनारे पे ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा, बीच पे प्रेशर ना दें और बेलन को बहुत तेज़ ना दबाएं, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा आटा बीच में लगाते जाएंगे अगर ज़रूरत महसूस हो आपको, और इस तरह से इसको भी बेल लेंगे। आप जितना बड़ा करना चाहें साइज़ उतना बड़ा कर लें। और अब ये भी रेडी है तो हम चलते हैं इसको तलने की तरफ। तो यहाँ पे एक पैन को मैंने गरम कर लिया है और उसको मीडियम हीट कर ली है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं इसको सेकना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। और एक तरफ से थोड़ा सा हो जाने के बाद इसको पलट देंगे। और यहाँ पे मैं इसमें लगा रही हूँ घी, आप चाहें तो तेल या बटर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बस हमारा पराठा रेडी है। अब मैं इसी तरह से दूसरा पराठा भी तल लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें समद किचन को, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिले। तो ये हमारे पराठे रेडी हैं, मैंने दूसरा पराठा भी तल लिया है। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने प्रोसेस नहीं दिखाया है, और मैं ये आपको खोल के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर तक मसाला भरा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी है। वैसे तो इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस पराठे के साथ, फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं तो चाय के साथ ये डेफिनेटली बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आप इसको चाय के साथ ट्राई करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।